हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्टलस। मैं हूं आरती गुप्ता और आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इस बहुत ही प्यारे फैब्रिक से, जिसे मैंने बुकरम पे पेस्ट कर लिया था और फोल्ड करके अब मैं उसे कट कर रही हूं सेंटर से। इसकी जो हमने डायमीटर लिया है वो 3 इंच का है और सेंटर से मैं कट लगा रही हूँ इस पर। ये ड्रेस हम बड़ी बनाएंगे क्योंकि मैं बाहर बहुत ही सुंदर एक चुनरी प्रिंट का इस तरह का कपड़ा लगाने वाली हूँ ग्रीन कलर में, और ये नवरात्रे हैं इसलिए मैंने चुनरी प्रिंट का कपड़ा लिया यहाँ पर, और इसे मैं फ्रिल्स बना के बाहर लगाऊंगी। तो इसको सबसे पहले मैं फ़ोल्ड करूंगी डबल करके और एक सिलाई लगा दूंगी ताकि ये हमारा हिले ना, और उसके बाद अंदर की साइड से हमें फ्रिल बनाते हुए लगाना है और बाहर की साइड में इसे अटैच करूंगी। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले सिलाई लगानी है और फिर ऐसे फ्रिल्स बनानी है। ये ड्रेस हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। इसका पूरा डायमीटर बैठेगा 7-7.5 इंच का। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है पूरे पे, और अब मैं आपको बताती हूँ हमने सिलाई करके फ्रिल्स कैसे बनानी है। ये देखिए, एक के ऊपर एक कपड़ा ऐसे हमने रखते जाना है और इस तरह से बहुत सुंदर सी प्लेट्स बनानी है पूरे राउंड में, और एक जब ये राउंड पूरा हो जाएगा तो मैं आपको सिलाई करके बताऊंगी और फिर इसे हमने बाहर की साइड पे निकालना है। देखिए, ये हमने पूरी फ्रिल्स लगा दें। देखिए, इस तरह से सिलाई की है हमने, और अब मैं इसे बाहर की साइड निकाल के और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक सिलाई लगेगी, देखिए इसको बिठाने के लिए हम बाहर एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, वो सिलाई भी मैं लगा लेती हूँ। यहाँ लगेगी पूरी, ये हमने सिलाई भी लगा दी है और ये गोल्डन कलर की लेस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं, और उसके बाद मेरे पास और भी लेसेस हैं जिन्हें मैं लगा के देखती हूँ। जो अच्छी लगती है फिर मैं उसके साथ आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ। वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने एक और लेस ली है जो ग्रीन कलर में ही है, चुनरी इसमें गोटे वाली लेस है जो इस ड्रेस के साथ तो बहुत प्यारी जाएगी। तो इस पूरी ड्रेस में मैं इसका ही यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने ग्रीन पोर्शन निकाल लिया, ये आपको 10 रुपीज़ पर मीटर मिल जाती है। और इस पे देखिए, ये मैंने लगा दी है सिलाई करके और फ्रंट में भी लगा ली है। अब स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स के लिए मैंने सेम ब्लू कपड़ा लिया था और वो भी मैंने पेस्टिंग पर लगा दिया था और उसे डबल करके सिलाई लगा दी है। इसका जो लंबाई है वो 4 इंच की है। सेम चुनरी प्रिंट का कपड़ा लिया है मैंने, दोनों तरफ सिलाई लगा दी है उसके, और इस तरह से मैं उसे आगे पीछे अटैच कर रही हूँ। ये अटैच कर दिए हैं मैंने, जो मैंने आपको गोल्डन लेस दिखाई थी स्टार्टिंग में उसे मैं यहाँ यूज़ करूँगी क्योंकि हमारे जो ब्लू कलर में गोल्डन कलर है वो बहुत प्यारा है और इस लेस के साथ जाएगा। दोनों को अटैच कर लिया है मैंने इस तरह से एक स्टिच लगा के इस तरह का, और अब मैं आपको बताती हूँ इसे ड्रेस के साथ कैसे अटैच करेंगे। सबसे पहले हाफ़ में से फ़ोल्ड कर लेते हैं और अब जो सेंटर का पोर्शन है उस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसको रखना है और आगे की साइड में आपको बाद में बताऊंगी, पहले एक सिलाई हम सेंटर में लगा लेते हैं जो इसका बैक पोर्शन है उस पर। तो चलिए, एक लगा ली हमने सिलाई। अब मैं आपको बताती हूँ स्लीव्स कैसे जोड़ेंगे। स्लीव्स जोड़ने के लिए इस तरह से उसे रखिए और फिर उसे उल्टा कर दीजिए ये इस तरह से, और फिर एक सिलाई यहाँ फ्रंट में लगा दीजिए इस पर, तो हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। ये देखिए, और ये सीधा कर दिया तो हमारी ये हो गई स्लीव्स। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स के साथ भी करेंगे, और ये देखिए इसको करना है और उल्टा कर देना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है, तो हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो जाएंगी। तो ये बन गई हमारी स्लीव्स। आप चाहें तो इस ड्रेस को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ये नवरात्रि स्पेशल ड्रेस है तो कुछ स्पेशल करेंगे इसके साथ, और इसमें मिरर्स लगाएंगे। ये लेस बहुत प्यारी थी मेरे पास तो इसके मैं मिरर्स निकाल लेती हूँ इस तरह से कटिंग करके, और पूरी ड्रेस पे मैं मिरर्स लगाने वाली हूँ जिससे कि ये ड्रेस नवरात्रों में बहुत प्यारी निकल के आए। आप चाहें तो पॉम पॉम्स लगा सकते हैं, मिरर्स हैं, मोती हैं, और टेजल्स लगा सकते हैं इसकी जगह पर, या कोई पैच अलग से बना के भी लगा सकते हैं ताकि इसमें ड्रेस में थोड़ा हैवीनेस आए और काफ़ी रॉयल लुक दे। और नवरात्रों पे तो इस तरह के ड्रेसेस हम बनाते ही हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरी ड्रेस पे लगाने हैं। मैंने आपको बहुत सारी माता रानी की ड्रेसेस भी बनानी सिखाई हैं नवरात्रों के लिए, और आगे भी सिखाऊंगी। आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं नवरात्रि डेकोरेशन पे वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आपको वो भी अच्छी लगेंगी। देखिए, ये मिरर्स लग गए हैं और छोटे वाले मिरर्स भी मैं लगाऊंगी। उससे पहले स्लीव्स पे भी मैं लगा लेती हूँ 2 मिरर्स,
तो चलिए ये भी लगा लेते हैं। मुझे आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, हमने दो और चैनल स्टार्ट किए हैं कुकिंग से, जिसका पहले चैनल का नाम है कुकिंग एंड गार्डनिंग विद अंजू और सेकंड का नाम है रेसिपीज़ बाय शेफ़ सिंगला। तो मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वो चैनल्स चेक कर सकते हैं और मुझे ज़रूर रिव्यूज़ में बताइएगा कि आपको वो चैनल कैसे लगे। तो देखिए, ये हमने छोटे वाले मिरर जो मैंने एक लेस से कट किए थे वो भी मैंने अटैच कर दिए हैं, और इस तरह से हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी, नवरात्रों के पर्पज़ से आप इसे पहना सकते हैं कान्हा जी के लिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपका वेट करती रहूँगी। और तब तक के लिए राधे राधे।